बाघों के घर में रहने वाले इंसानों को अब बेघर होने की चिंता सताने लगी है। पुरखों की जमीन और अपना घर छोड़ने की बात से ही गांव वाले परेशान हैं। हाँ, दिक्कत तो पड़ेगी। अब जैसे किसी का घर नोच जैसे उजाड़ा जाए, दिक्कत तो पड़ने है। सालों से बाघों के साथ रह रहे लोगों की वजह से अब बाघों को ही खतरा होने लगा है। बाघों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ा है। पिछले 2 सालों में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत बाघों के हमले में हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की, जहां पार्क प्रशासन गांव के लोगों को समझाकर यहां से कहीं और बसाने की कोशिश कर रहा है। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो गांव या वनग्राम आते हैं, उनके राइट्स को देने के बाद उन्हें वॉलंटरी रिलोकेट करने का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि वो क्षेत्र इनवायलेट हो सके। इनवायलेट का तात्पर्य यह है कि वो क्षेत्र पूरी की पूरी तरह से बाघों के लिए हो। दुधवा और कतरनिया घाट में मिला के तकरीबन 1 दर्जन गांव हैं, जिनको भविष्य में वॉलंटरी रिलोकेट करने के लिए उत्साहित करना होगा। शायद आने वाले समय में बाघों और इंसानों को अपना अपना घर मिल जाए और ये संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सूरमा समेत करीब 1 दर्जन गांव बसे हुए हैं। पार्क प्रशासन अब इन गांवों को विस्थापन की बात कर रहा है, लेकिन गांव वाले नहीं चाहते कि वो अपने पुरखों की जमीन छोड़कर जाएं। अब एक चुनौती होगी और लोगों को समझाना भी होगा, तब शायद ये संभव हो पाए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से प्रशांत पांडे, ईटीवी भारत के लिए।